Tamil Book Reviews. This is Manisha and today we are going to talk about the most celebrated book of Ruskin Bond, The Room on the Roof. ये Ruskin Bond का first literary work है और सबसे interesting बात ये है कि इसे उन्होंने लिखा था 17 साल की उम्र में. तो चलिए इस किताब के बारे में बात करते हैं. The Room on the Roof is a story of a boy named Rusty. इसे Ruskin Bond की semi autobiography भी कहा जाता है. इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है रस्टी, जो कि 17 साल का एक एंग्लो इंडियन लड़का है. वो देहरादून में अपने गार्डियन मिस्टर हैरिसन और मिसेस हैरिसन के साथ रहता है. मिस्टर हैरिसन चाहते हैं कि रस्टी एक इंग्लिश मैन बने. मिस्टर हैरिसन का एटीट्यूड रस्टी के प्रति बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है और यही वजह थी कि रस्टी किसी से ज्यादा मिलजुल नहीं पाते थे. लेकिन रस्टी को बाहर की दुनिया का अनुभव लेना था, उन्हें बाहर की दुनिया को देखना था और इसी के चलते वो मिलते हैं अपने नए तीन दोस्तों से, सोमी, सूरी और रणवीर. वो इंसिडेंटली चारों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और एक दिन खेल और मस्ती के बीच रस्टी घर आने में लेट हो जाते हैं. जब वो घर लौटते हैं तो मिस्टर हैरिसन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो रस्टी पर हाथ उठाते हैं. एक बार फिर ऐसा ही इंसिडेंट रिपीट होता है होली वाले दिन. जब रस्टी अपने दोस्तों के साथ होली खेलकर घर लौटकर आते हैं तो मिस्टर हैरिसन उनको नहीं पहचान पाते क्योंकि उनका पूरा शरीर रंगों से भरा था. और बाद में जब मिस्टर हैरिसन रस्टी को पहचानते हैं तो उसे देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और उसी गुस्से में एक बार फिर वो रस्टी पर हाथ उठाते हैं और इस बार उसे घर से निकलने को कहते हैं. वो पहली रात थी जो रस्टी ने अकेले बिताई थी और तब रस्टी को जीवन के संघर्षों के बारे में पता चलता है. मिस्टर हैरिसन और मिसेस हैरिसन के घर से निकलने के बाद रस्टी का संघर्ष शुरू होता है और साथ ही वो कई नए रिश्ते बनाते हैं और कुछ रिश्ते उन्हें चाहे अनचाहे छोड़ने पड़ते हैं. अब रस्टी के सर पे छत नहीं थी. इस समय पर उनकी मदद करते हैं उनके दोस्त सोमी. वो सोमी के साथ रहने लगते हैं और सोमी उन्हें काम दिलाने में भी मदद करते हैं. मिस्टर एंड मिसेस कपूर के बेटे होते हैं किशन, जिन्हें बाद में रस्टी ट्यूशंस पढ़ाना शुरू कर देते हैं. किशन को इंग्लिश सिखाने के बदले में मिस्टर और मिसेस कपूर रस्टी को अपने घर पर छत पर एक कमरा देते हैं और साथ ही उनके खाने का भी बंदोबस्त करते हैं. अब रस्टी के पास एक कमरा था एंड देन रस्टी हैड अ रूम ऑन द रूफ. फ्रेंडशिप इस नॉवल का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. रस्टी की लाइफ में बहुत सारी चीजें इसीलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि उनके दोस्तों ने उनकी मदद की. द रूम ऑन द रूफ को पढ़ना लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में सेल्फ एक्सप्लोरेशन को बताया गया है. दिस इज द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप, लव, लॉस, ग्रोइंग अप, हार्श रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन बिटवीन. रस्किन बॉन्ड ने लव और फ्रेंडशिप की इस कहानी को बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा है और यही वजह है कि नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने इसको बहुत ही अप्रिशिएट किया जब ये पब्लिश हुई 1957 में, आजादी के 10 साल बाद. ऑल्दो द रूम ऑन द रूफ इज अ स्टोरी ऑफ अ टीनेजर बॉय, लेकिन इस किताब को हर उम्र के लोग पढ़ना पसंद करते हैं और शायद इसी वजह से रस्किन बॉन्ड की इस किताब को उनका बेस्ट लिटरेरी वर्क कहा जाता है, जबकि उन्होंने ये किताब लिखी थी मात्र 17 साल की उम्र में. एलन बुक रिव्यूज रेकमेंड करता है द रूम ऑन द रूफ. अगर आप चाहते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर बुक का रिव्यू करें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए. फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. जल्द ही एक नए बुक रिव्यू के साथ फिर हाजिर होते हैं. तब तक के लिए नमस्कार.